उत्तराखंड में सरकारी व निजी अस्पतालों के डॉक्टर कोलकाता की घटना को लेकर एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। दरअसल कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक की हत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया था। इसी को लेकर चिकित्सकों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वह कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। हालांकि कार्य बहिष्कार के दौरान इमरजेंसी, पोस्टमार्टम व वीआईपी ड्यूटी यथावत चलती रही, लेकिन ओपीडी व इलेक्टिव सर्जरी नहीं की गई। आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस और राज्य सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे देश प्रदेश के चिकित्सकों में आक्रोश है और उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे, साथ ही अपराधियों व अराजक तत्वों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। डॉक्टर्स कभी नहीं चाहेंगे कि मरीज हमारी वजह से उनको उनकी कुछ तबीयत है उनमें कुछ कमी आए, तो इस चीज़ के लिए हमने इमरजेंसी सर्विसेज चालू रखी हैं। इमरजेंसी ओटीज भी चल रही हैं, इमरजेंसी में सारे पेशेंट्स देखे जा रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनमें से जिनकी भी इमरजेंसी ड्यूटी होती है वो इमरजेंसी में अभी भी अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, और बीच बीच में अगर उन्हें टाइम मिल रहा है वो धरने पर भी आ रहे हैं, और अगर नहीं मिल पा रहा इमरजेंसी में पेशेंट्स आ रहे हैं तो उधर देख रहे हैं,